गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स 11th क्लास। आज हम 11th क्लास अकाउंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी हम जानते हैं कि अकाउंट्स क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, यानी जो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम ध्यान रखते हुए हम अपनी अकाउंटिंग करने वाले हैं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? बेसिक एग्जम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरा कौन सा? मॉडिफाइड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ओके, इन तीन चीजों में अलग अलग पार्टिसिपेशन किए गए हैं, या इनके अंदर अलग अलग तरीके से हमने प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिक एग्जम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक एग्जम्पशन में सबसे पहले कौन सा है? बेसिक एग्जम्पशन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हमने देखा कि क्या है, बिजनेस एंटिटी। कौन सी है? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब कौन सा है हमारे पास? कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होंगे? सेपरेट एंटिटी रखेंगे। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या रखेंगे? सेपरेट एंटिटी रखेंगे। दूसरा हमने क्या देखा कि एग्जम्पशंस ऑफ मनी मेथड। इसका कहना ये है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी चीज रिकॉर्ड होगी, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, वो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए उसका? कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगा तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि हर एक चीज को हमें मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड एग्जम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब है कि हमें जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है वो एक पर्टिकुलर टाइम पोर्शन के अंदर बनाना है, जैसे ईयरली है, जैसे मंथली, जैसे सिक्स मंथली या क्वार्टरली। इस तरह से हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड हम क्या करते हैं, पहले फाइंड आउट डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे है हमारे पास कौन से? बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल में हम देखे हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी। आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन आपको प्रिंसिपल पढ़ाया था, उसका कांसेप्ट है कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी कैसे? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या लिखा हमने यहां पे? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी। इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इवेंट्स हैं या फिर हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने पे दो इनवेक होते हैं, दो ड्रॉ होते हैं। अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो कोई चीज क्या होगी? क्रेडिट होगी। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ये कहता है कि जब कभी भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम हमेशा उसकी एक्वायर्ड प्राइस यानी परचेस वैल्यू लिखेंगे। कौन सी प्राइस? एक्वायर्ड प्राइस यानी परचेस वैल्यू लिखेंगे। इस परचेस वैल्यू में इंस्टॉलेशन चार्ज, इन्वेस्टमेंट, रिपेयरिंग, जो भी चीज है, जब तक हम रनिंग या यूजफुल पोजीशन में नहीं ला देते हैं, तब तक जितने भी खर्चे हमारे एसेट्स में लगते रहते हैं वो सब इसमें काउंट किए जाते हैं, कॉस्ट में काउंट किए जाते हैं। और हर एक चीज हम मार्केट प्राइस में ना लिखते हुए हम सारे एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पे काउंट करते हैं और मेंशन करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फुल्ली डिस्क्लोज। प्रिंसिपल ऑफ फुल्ली डिस्क्लोज कहता है कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो इस तरह से क्या होनी चाहिए, प्रिपेयर होनी चाहिए कि आप उनको हर एक व्यक्ति को क्या कर सके, दिखा सके या डिस्क्लोज करें उसको। इस तरह से सिस्टमेटिक मैनर्स में क्लियरली तरीके से सब चीज लिखें, जिससे हम किसी दूसरे को डिस्क्लोज कर सके और बता सके कि ये चीज कहां से आई और कैसे हुई है। ओके, अच्छा, तीसरी जो है वो हमारा मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स। मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स सबसे पहले कौन सा है? कंसिस्टेंसी। कि हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसा एक साल तक कम से कम फॉलो करो। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने जो मेथड यूज किया है वो एक दिन यूज की अगले दिन चेंज करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कम से कम एक अकाउंटिंग टाइम ड्यूरेशन तक, अकाउंटिंग पीरियड तक फिक्स रखने चाहिए। क्लियर? कंसिस्टेंसी फिक्स। आगे प्रीविडेंस। प्रीविडेंस को कंजर्वेटिव भी कहते हैं। ये ऐसा रूल बांधता है जो चीज चली आ रही है वो चलती रहेगी, ऐसा हमें मान के चलना पड़ेगा। जैसे हमने अगर क्रेडिट सेल्स करना है तो क्रेडिट सेल्स के बदले हमें पता है कि हमें उसके लिए बैड डेट्स होगा, प्रोविजंस बनाना पड़ेंगे। प्रोविजंस बनाना, इनकम टैक्स के प्रोविजंस बनाना, बैड डेट्स रिजर्व बनाना, जितनी भी चीजें आती हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है? प्रिंसिपल ऑफ प्रीविडेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव। ओके, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। कुछ प्रिंसिपल आपके ऊपर और भी लिखे हैं, अगले लेक्चर में वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। पर ये जो इंपोर्टेंट है, जो सबसे पहले बेसिकली आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ये वो है। ओके, थैंक यू।